एक लेडी जिसके हस्बैंड की अभी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी अ गुड वुमन इज हार्ड टू फाइंड 2019 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी है। इस मूवी के कैरेक्टर की डेवलपमेंट देखकर आपको भी मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सैरा, ये हमें खून से लथपथ दिखती है। जब ये सब क्या हुआ था ये हमें आगे पता चलेगा। मूवी थोड़े से ही पास्ट में स्टार्ट होती है। सैरा अपने बच्चों को लेकर ग्रोसरी शॉप में आई हुई थी। वहां पर उसका बेटा एक चॉकलेट खाकर उसका रैपर नीचे ही डाल देता है। एक एम्प्लॉय ने नोटिस किया और एक रैपर वो सैरा को देता है, कहता है तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। सैरा चेकआउट के लिए गई तब ये एम्प्लॉय उस पर नजर ही रख रहा था। वो अपने पैसे चेक करती है तो उसके पास बिल पे करने के लिए फुल अमाउंट नहीं है। कुछ चीजें वो बाय करना कैंसिल कर देती है। कैशियर भी उसे समझ लेती है, कहती है हम सब लोग इस वक्त से गुजर चुके हैं, तुम सिर्फ डटे रहना। सैरा हमेशा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, उन्हें रात में स्टोरीज भी सुनाती है। वो एक सिंगल मदर है तो आज रात अपने आप को प्लीज करती है। नेक्स्ट डे वो पुलिस के पास आई हुई हम देख सकते हैं। वो अपने पति के बारे में पूछ रही थी। वहाँ की पुलिस इंचार्ज उससे कहती है कुछ चीजें दबी ही रहे, यही अच्छा होता है। सैरा के पति के साथ एक इंसिडेंट हुआ था और उसकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सैरा अपने मदर के पास आई है। सैरा का बेटा बेन कभी भी एक भी बात नहीं बोलता। जब उसके फादर की डेथ हुई तो उसके साथ ही था। सैरा की मदर सैरा को लेकर बहुत ही परेशान है। उसे लगता है कि सैरा इतनी टफ नहीं है, इस वर्ल्ड में अगर उसे जीना है तो उसे टफ बनना पड़ेगा। वो सैरा को अपने साथ रहने के लिए भी इन्वाइट करती है पर सैरा को ये अच्छा नहीं लगता। वो समझती है कि उसकी मदर उस पर हमेशा से ही ज्यादा टफ थी। घर आते वक्त सैरा और बच्चे उसके हस्बैंड के ग्रेव पर जाकर आए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है टीटो, इसे कुछ लोगों पर नजर रखते हुए हम देख सकते हैं। उसने फिर जाकर एक गाड़ी चोरी की। जिन लोगों पर वह नजर रख रहा था उनकी गाड़ी से उसने गाड़ी टकरा दी। एक्सीडेंट की वजह से उन लोगों की डिक्की खुल गई। उस डिक्की से उसने कुछ निकाला और भागने लग गया। वो लोग भी उसके पीछे भागे। सैरा अभी अभी घर पहुंची थी तो टीटो भी उसके पीछे भागते भागते घर में पहुंच जाता है। उसके पास गन है तो इन्हें वो धमकाता है कि कुछ भी आवाज मत करो। उसके बाद सैरा अपने बच्चों को उनके रूम में बंद कर देती है। उतने वक्त में टीटो टॉयलेट जाकर आया। सैरा जब बाहर आए तो उसे कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं देखा, ये सब हुआ ही नहीं, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जिन लोगों से टीटो ने कुछ चोरी किया था एक गैंग के मेंबर है। वो उनके बॉस के पास आए तो उनका बॉस बहुत ही गुस्सा है, कहता है जल्दी से जाकर उसे ढूंढो। रात में टीटो फिर से सैरा के घर पर आता है। वो नॉक करता है पर सैरा डोर ओपन नहीं कर रही थी, तो कहता है कांच तोड़कर मैं अंदर आ जाऊंगा। सैरा फिर डोर ओपन कर देती है। वो वॉशरूम गया और वहां से उसने एक बैग निकाला। इस बैग में बहुत सारे ड्रग्स पड़े हुए हैं। वो सैरा से कहता है मैं कुछ ड्रग्स लेकर गया था, मैंने उन्हें सेल किए और बहुत सारे पैसे उसे मिले हैं। इसके 40% वो सैरा को दे देता है। उसे कहता है तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी एक फैमिली है, तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। अगर मैं ड्रग्स यहाँ रखूंगा तो परफेक्टली सेफ रहेंगे, तुम्हें भी मैं 40% देता रहूंगा। सैरा इसके लिए उसे मना करती है पर वो कहता है अगर तुमने मना किया तो मुझे तुम्हें मार डालना पड़ेगा। चाकू लगाकर उसे वो धमका रहा था। सैरा भी अब इसके लिए मान जाती है। सैरा के पास ये सब बात मानने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट डे सैरा अपने बच्चों को एक ग्राउंड पर लेकर आई हुई है। यही उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। वो अपने बेटे बेन से पूछती है क्या यहाँ तुम्हें कुछ याद आ रहा है? जिस आदमी ने उसके हस्बैंड को मारा उसके बारे में उससे वो पूछ रही थी। बेन बहुत ही शॉक में है और वो कुछ भी बोल नहीं पाता। सैरा भी समझ लेती है उसका ये सब करना कुछ गलत है। आज रात डिटो फिर से सैरा के पास आया। वहां पर वो टीवी ऑन करता है और हैंग आउट कर रहा था। सैरा उससे पूछती है क्या तुम मेरे हस्बैंड के बारे में जानते हो? एक्चुअली पुलिस ने सैरा के हस्बैंड पर इल्जाम लगाया था कि वो ड्रग डीलर है। सैरा को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए उससे पूछती है क्या वो उसके हस्बैंड को जानता है। टीटो इसके लिए मना कर देता है। इन दोनों में बातचीत होती है जिसे सैरा को पता चलता है कि ड्रग्स टीटो ने एक मॉब से चुराए हुए हैं। ये सुनकर वो बहुत ही डर जाती है। वो टीटो से कहती है कि मेरे बच्चे हैं, इन्हें मैं डेंजर में नहीं डाल सकते, मैं तुम्हें ये ड्रग्स छुपाने में हेल्प नहीं कर सकते। टीटो कहता है कि थोड़े दिन बाद ये सब शांत हो जाएगा, तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है। और तुमने अपने हस्बैंड का नाम क्या बताया? वो भी तो एक ड्रग डीलर ही था।
सारा उससे कहती है कि उसके साथ बेन था, वो ऐसे ड्रग्स नहीं सेल कर सकता। ड्रग्स सेल करना सारा बहुत ही घटिया चीज समझती है। इस पर टीटो को गुस्सा आ गया और वो वहां से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट डे हम सारा को फिर से सुपरमार्केट में देख सकते हैं। अब टीटो ने उसे पैसे दिए हैं तो सही से शॉपिंग कर सकती है। प्रीवियस सीन में हमने देखा था कि स्टोर का एम्प्लॉय उस पर नजर रख रहा था। उस एम्प्लॉय को लगता है कि सारा के पास अब इतने सारे पैसे हैं तो कुछ गलत ही कर रही होगी। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम कितना चार्ज कर रही हो। सारा को इस पर गुस्सा आया पर इस चीज को उसने इग्नोर कर दिया। सारा और बच्चे ये आज का दिन बहुत ही अच्छे से स्पेंड करते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ अच्छा खाना खाते हैं। सारा बहुत ही टेंशन में थी तो उसने ज्यादा ही वाइन पी ली थी। उसके वॉशरूम में ही ड्रग्स पड़े थे। ये वो करने वाली थी तभी उसकी बेटी ने उसे कॉल कर लिया। जिस कंपार्टमेंट में छुपाए हुए थे ये खुला का खुला ही रह गया। सारा का ध्यान नहीं था, उसके बेटे को ये ड्रग्स मिल गए। वो इसके साथ खेल रहा था। जब सारा ने नोटिस किया तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसने बेन से उल्टी करवाई, उसे अच्छे से उसने वॉश किया। रात में जब टीटो फिर से घर पर आता है तो सारा डोर नहीं खोल रही थी। उसने कांच तोड़ दिए और वो अंदर आ गया। वो ड्रग्स के बारे में सारा से पूछता है पर सारा कुछ भी बात नहीं कर रही थी। यहाँ क्या हुआ ये उसे पता चल गया। सारा उसे बेग करती है कि प्लीज हमें कुछ भी मत करो, तुम जो भी कहोगे ये सब मैं करने के लिए रेडी हूँ। टीटो फिर उसे डायरेक्टली बेडरूम में लेकर जाता है। वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था पर सारा उसे रेजिस्ट करती है, एक चीज लेकर उसके सर में मारती है। वो फिर भी उस पर हावी हो रहा था। सारा के हाथ में नाइफ आ गए और उसने उस पर वार कर दिया। टीटू ब्लीड होकर वही उसकी डेथ हो गई। इसके बाद फर्स्टली उसने अपने बच्चों को रूम में बंद कर दिया। अब उसे क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा था तभी डोर पर पुलिस की नौक आई। सारा के घर से शोर शराबा हो रहा था तो किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था कि आसपास सब घर देखते हैं, बहुत सारी मेस यहाँ पड़ी हुई है, टूटा हुआ कांच भी नोटिस करते हैं। इन्हें पता चल गया कि सारा को कोई मार रहा था। सारा कहती है मुझे किसी ने भी नहीं मारा, वो इसे रिपोर्ट नहीं करना चाहते। इसमें से एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम जैसी औरतों को यह मार खाना अच्छा लगता है। सारा को इस पर गुस्सा आ गया और इन दोनों पुलिस को घर से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट डे वो अपनी मदर के पास आए। वो मदर से कहती है कि आज मेरी नाइट शिफ्ट है तो बच्चों को अपने साथ रखना। आज सारा को अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर जाना था पर इसके बारे में वो भूल गए। उसकी मदर इस पर उसे डांटती है, कहती है तुमने अपना हाल क्या बना लिया है, तुमने उस आदमी के साथ शादी की और सब कुछ बिगाड़ डाला। तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में जा सकती थी, अपना एक अच्छा करियर बना सकती थी और वो निकला तो क्या एक घटिया ड्रग डीलर। सारा कहती है कि वो ड्रग डीलर नहीं था, सिर्फ पुलिस ने ये सब कहा, इसका मतलब ये सच है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उससे बहुत ही प्यार करती थी। उसकी मदर को प्यार व्यार कुछ भी सही नहीं लगता। सारा उसे पहाड़ में जाने के लिए कहती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉब का बॉस टीटो के फ्रेंड्स के पास आया हुआ है। उनसे पूछ रहा था कि टीटो कहाँ है। एक्चुअली इन दोनों फ्रेंड्स को टीटो के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसे मॉब के बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ा और इन दोनों को उसने मार डाला। रात में सारा एक टूल्स के शॉप में आई हुई थी, वहां पर उसने नाइव्स, एक्स ये सब बाय किया। वह एक कैशियर थी जो मजाक में कहती है कि अपने हस्बैंड को तुम्हें मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ घर से बाहर निकाल दो। इस डायलॉग से ये सीन बहुत ही क्वर्की बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि टीटो को अब वो काटने वाली है, दिल पर पत्थर रखकर उसे काट डालती है। मूवी के फर्स्ट में हमें जो सीन दिखाया गया था ये इसी का प्रीकैप था। इसके बाद उसने टीटो की बॉडी अलग अलग बैग्स में रखी और डस्टबिन में जाकर वो फेंक आए। अब नेक्स्ट डे सारा अपने बेटे बेन को लेकर डॉक्टर के पास आई हुई है। बेन कुछ भी बोलता नहीं इसलिए वो यहाँ आए हुए है। डॉक्टर सारा से कहती है जब तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई तो बेन वही था, उसे बहुत ही बड़ा सदमा लगा और इस वजह से वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता, उसका ब्रेन इन सब मेमोरीज को दबा देना चाहता है, जब ये सब बाहर निकलेंगे तभी ये बोल पाएगा। इस बात से सारा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गए, गुस्से में वहां से चली गई। सारा की बेटी अगर किसी वर्ड को पकड़ लेती है तो उसे ही दोहराती रहती है। उसने इस बार टीटो ये वर्ड पकड़ा हुआ है, वो बार बार टीटो टीटो बोल रही है। सारा जहाँ रहती है उसके आसपास पूरे एरिया में मॉब के लोग टीटो को ढूंढ रहे हैं। उसमें से एक आदमी सारा की बेटी को टीटो टीटो कहते नोटिस करता है। इन्हें फिर शक जाता है और वो सारा के घर के सामने उस पर नजर रखते हैं। सारा जब घर पर आई तो उसे विजिट करने के लिए एक सोशल वर्कर आई हुई थी। इस सोशल वर्कर को लगता है कि सारा अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसे कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए।
कल क्या हुआ था ये तुम मुझे सच सच बताओ। सारा गुस्से में उसे बता देती है कि एक आदमी मेरा रेप करने के लिए आया हुआ था, मैंने उसे स्टैब किया और वो वहां से चला गया। अब ये सोशल वर्कर अपने रिपोर्ट में क्या लिखेगी इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसे लगता है कि उसने जो किया ये सब सही किया। सारा ने घर के बाहर मॉब की गाड़ी उस पर नजर रख रही है ये चीज उसने नोटिस की। वो उन्हें छुप कर देख रही थी, मॉब के लोगों ने भी देख लिया। तो फिर जल्दी से अपने बच्चों को लेकर पीछे के दरवाजे से जा रही थी तभी इन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उसे वो धमकाते हैं और टीटो के बारे में पूछते हैं। इनकी बातचीत चल रही थी तभी मॉब का बॉस भी वहां पहुंचा। बेन अपनी मदर को बचाने के लिए जल्दी से वहां से भागता है। वो रोड पर आया और उसने कचरे की गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी के ड्राइवर्स ने नोटिस किया यहाँ चल क्या रहा है। वो लोग फिर सारा को बचाने के लिए वहां पहुंचे। बेन मॉब के बॉस को देखकर बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था। सारा उससे पूछती है कि फादर को जिस आदमी ने मारा था क्या ये वही है। बेन इस पर हाँ कहता है। जल्दी से फिर ये सब वहां से भाग जाते हैं। वो फिर अपने मदर के पास आई हुई थी। लास्ट टाइम उसने मदर से अच्छे से बात नहीं की तो उसे बुरा लग रहा था। वो अपनी मदर से कहती है कि तुम बहुत ही स्ट्रिक्ट पर वैसे ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए पर तुम एक अच्छी मदर थी, हमेशा मुझे चीरअप कैसे करना है ये तुम्हें आता था। उसकी मदर को भी बुरा लगा है। वो कहती है कि तुम में और तुम्हारे हस्बैंड में जो प्यार था ये कभी भी मुझे नहीं मिला, मैं समझ नहीं सकती थी। तुम्हारे फादर के साथ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से मैंने शादी की थी। तुम और तुम्हारे हस्बैंड में जो भी था ये बहुत ही स्पेशल था। जब घर में सब लोग सो गए तो सारा के पास फिर से गैंग का एक मेंबर आया। उसे पूछता है कि टीटो कहाँ है। सारा कहती है कि मुझे यहाँ कोई भी तमाशा नहीं चाहिए, तुम्हें टीटो ही चाहिए, तो उसे एक घंटे में लेकर आऊंगी। इसके बाद वो रेडी हुई, एक बैग लेकर बॉस के पास पहुंच जाती है। बॉस पूछता है कि टीटो कहाँ है। उसने बैग से डायरेक्टली टीटो का हेड ही निकाला। सारा इतनी डेंजर है तो ये देखकर बॉस हंसने लग गया। सारा फिर बोलती है क्या तुम मेरे हस्बैंड को जानते हो। ये सुनकर बॉस की हंसी बंद हो गई। उसने रियलाइज किया कि ये बदला लेने के लिए आई हुई है। उसे मारने के लिए एक आदमी आ रहा था तो टीटो के सर में उसने एक गन छुपाई थी जो उसने बाहर निकाली। वो आदमी रुका नहीं तो सारा ने भी उसे गोली मार दी। बॉस ने भी सारा पर गोली चलाने की कोशिश की पर उसने मिस कर दिया। सारा बॉस पर भी गोली चलाती है। उसे मारने से पहले उसे पूछती है कि मेरे हस्बैंड को तुमने मारा क्यों। वो कहता है कि एक आदमी ने मुझसे पैसे लिए थे, उसे मैं मारने गया था पर तुम्हारे हस्बैंड से देखा नहीं गया, वो अपने काम से काम रखता तो बच जाता, उसने उस आदमी को बचाने की कोशिश की और मैंने उसे मार डाला। ये बॉस अब गन रीच करने ही वाला था पर सारा उसके सर में गोली मार देती है। सारा ने जो भी सब बॉडी पास डस्टबिन में रखे जब पुलिस को मिले तो पुलिस को लगा कि गैंग वॉर होगा, इस पर उन्होंने कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर चुका है और सारा ने अब अपने पति का बदला ले लिया है। वो पहले कंफ्यूज थी, सब लोगों को लगता था कि उसका हस्बैंड ड्रग डीलर है पर अब उसमें कॉन्फिडेंस है। वो जो समझती थी वो सच था, उसका हस्बैंड एक अच्छा आदमी था तो अपना कॉन्फिडेंस उसे फिर से मिल चुका है। वो अपने आप का ख्याल भी नहीं रखती थी। इस सीन में वो बहुत ही वेल ड्रेस्ड है। वो फिर से ग्रोसरी शॉप में ही है। यह स्टोर का एम्प्लॉय फिर से उसके पास आता है, कहता है तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। वो कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। सारा फिर अपने बेटे को एक चॉकलेट दिलवाती है, उसका रैपर इस एम्प्लॉय को दे देती है, कहती है इसका बिल तुम पे कर देना। यह एम्प्लॉय कहता है तुम सोच क्या रही हो। सारा कहती है अगर फिर से तुमने मुझसे इस तरह से बात की तो मैं तुम्हारे मैनेजर के पास जाऊंगी, उसे कहूंगी कि तुमने मेरे बच्चों के सामने अपने प्राइवेट पार्ट्स उन्हें दिखाया। एम्प्लॉय डर जाता है, ऐसा अगर हुआ तो उसे बहुत बड़ी जेल हो जाएगी। वो कहता है मेरा मैनेजर कभी भी तुम पर बिलीव नहीं करेगा। सारा कहती है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमें पता है सारा की बेटी हमेशा एक ही चीज पकड़ लेती है, वही बार बार दोहराती है। वो अभी भी इस एम्प्लॉय के प्राइवेट पार्ट के बारे में दोहराने लग जाती है। इस चीज से एम्प्लॉय बहुत ही डर जाता है, इसके बारे में वो कुछ कर भी नहीं सकता। ये मूवी का लास्ट सीन था, इससे हमें पता चलता है सारा की किस तरह से डेवलपमेंट हुई है। उसकी मदर उससे कहती थी कि तुम्हें टफ बनना है, उसी तरीके से वो टफ बन चुकी है। उसने अपने हस्बैंड का बदला लिया, कोई भी आदमी उसे कुछ भी कहकर जाएगा ये वो पॉसिबल नहीं होने देगी। इसी तरीके से मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए सारा की तरह।